हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए देखिए, ये हमारे पास जींस का शर्ट है और इस शर्ट से हम बेबी शर्ट और किड्स स्कर्ट दोनों हम इसकी बना रहे हैं, बच्चों का इसको चांच कर रहे हैं। तो ये इसकी बाजू है, ये भी हमारे काम आएगा, बाजू का कपड़ा भी, और ये जो शर्ट का पीस है तो इसमें हम दोनों बनाएंगे, बेबी का स्कर्ट भी बनाएंगे और बेबी का टॉप भी बनाएंगे। तो दोनों स्कर्ट टॉप हम इस जींस के शर्ट से बना रहे हैं। तो आइए, इसकी पहले हम फर्मा कटिंग आपको पेपर पे दिखाएंगे और जो हमारी पेपर की कटिंग होगी वो पार्ट्स हम इस पे रख के कटिंग करेंगे, तो हमारा सिलने में आसानी होगी। तो आइए पहले हम पेपर पे इसकी कटिंग करते हैं, बेबी स्कर्ट बेबी टॉप की। तो आइए अब मैं आपको पेपर के ऊपर और इसकी फर्मा कटिंग बताती हूँ। जो हमारे जींस का ऊपर का टॉप होगा उसके लिए हमने शोल्डर लिए हैं 4.25 इंच यानी 8.5 इंच, ठीक है। और टोटल हमारी इसकी लेंथ है देखिए 10 इंचेज, यहाँ से देखिए ये हमारी टोटल लेंथ है 10 इंचेज। और जो हमारी ये शोल्डर है ये हमने लिए 8.5 इंचेज, ठीक है। इसके लिए जो हमारी पट्टी होगी ऊपर वाली वो रखेंगे हम 4 इंच की, और यहाँ से हम लेंगे इसकी जो चौड़ाई है लगभग 6.5 इंच तक की टोटल। ये अब ये 4 इंच तक की जो है हमारी, इसको हम ऐसे करेंगे और चेस्ट आर्म होल लेंगे हम इसकी 6 इंचेज, ठीक। ये हमारे ऊपर के जो बेल्ट होगा और इसकी हमारी जो पट्टी लगेगी वो पट्टी की चौड़ाई लेंगे हम 1.5 इंच की। तो ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी होगी और आर्म होल होंगे हमारे 6 इंचेज। अब 6 इंचेज के नीचे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो हमारी चेस्ट का निशान होगा देखिए 5.5 इंचेज, 22 इंच का हम ले रहे हैं इसमें। हमने 6 इंच लिया, आप 5.5 भी रख सकते हो अगर आपको जैसे भी आपको रखना हो। तो इसमें यहाँ पे 5.5 इंच ये होगी और इसमें सिलाई का हम एक्स्ट्रा अलग से ले लेते हैं, तो ये 0.5 इंच सिलाई का हमने लिया है। कमर में हम 5 इंच लेंगे, 5 का डबल हो गया देखिए 10 इंच, और 5 का 4 फोल्ड में करेंगे तो आप हो गया 20 इंचेज। तो 20 इंचेज कमर है और 22 चेस्ट है, ठीक है। और सिलाई की लाइन को आप इससे मिला दीजिए और ये जो स्टिचिंग की लाइन है इसको ऐसे मिला दीजिए। तो हमारा फ्रंट पार्ट एक पार्ट कटिंग हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये देखिए इसमें इस प्रकार से कटिंग होगी, आपको पहले पूरा बता देती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो ये हमारे बेल्ट होंगे ऊपर वाले, ठीक है, और इस प्रकार से इसकी कटिंग होगी। और ये सिर्फ फ्रंट का पार्ट है, यहाँ आप इसको हल्का सा राउंड दे सकते हैं यहाँ से ऐसे, बस ये हमारा राउंड हो गया है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये आपकी ऊपर की टॉप की कटिंग हो गई है, ठीक है, एक पार्ट की हुई है। और इसमें देखिए यह हम जो 4 इंच का है, ये जो आगे का बेल्ट है इस 4 इंच का होगा, तो इसको हम यहाँ कट कर देते हैं। ये हमने इसको यहाँ से कट कर दिया है, 4 इंच का हमारा बेल्ट है। ये आगे का पार्ट कटिंग करने के बाद हम इसमें जो हमारा पीछे का पार्ट है वो ऐसे मार्किंग करेंगे, ये ऐसे, ये यहाँ तक 4 इंच हो गए हैं। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, 4 इंच आगे का पार्ट और इसको लंबी पट्टी लेना है, तो इसमें हमने 4 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। वो कैसे लेंगे देखिए आपको दिखाते हैं, पूरा यहाँ तक हमारी 4 इंच और एक्स्ट्रा होती है, हाँ, और 1 इंच हम प्लस में लेंगे नीचे का जो हमारे बटन वगैरह लगाते हैं, तो इसमें 1 इंच हमने प्लस लिया है। तो यहाँ पे ये हो गया 9 इंच तक का, और ये जो दूरी है इसको हमें 2.5 इंच की लिया है, 2.5 और 1.5 ये हो गए 4 इंच और टोटल हो गए 4.25 इंच, 5 इंच हमारी स्टिचिंग के लिए। तो आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है, और ये यहाँ से इसको ऐसे करना है, और ये देखिए यहाँ से हमें ये इस प्रकार से हमारी ये पट्टी होंगी। तो ये यहाँ तक बैक साइड में ये यहाँ तक जाएंगी, और अब हम आपको इसकी कटिंग करके बता देते हैं। और जो फ्रंट पार्ट की जो हमारी पट्टी थी इसको हमने कट कर दिया है और इसको हमने बैक साइड में जॉइंट कर लिया है, बैक साइड का 4 इंच की बैक साइड की पट्टी और 4 इंच की हमारी फ्रंट की पट्टी, तो दोनों को जॉइंट करके, और 1 इंच जो हमारे फ्रंट में एक्स्ट्रा रहती है, फ्रंट की 5 इंच जोड़ ली है और बैक साइड की 4 इंच की। तो ये हमारे बैक साइड के पार्ट में एकल जॉइंट रहेगी और जो हमारा फ्रंट का पार्ट होगा वो सिर्फ इतना ही होगा। ये देखिए
फ्रंट का पार्ट इतना ही होगा। ये जो बैक साइड का पार्ट है इसकी हम कटिंग करते हैं। पेपर पे कटिंग करने के बाद हम इसकी और अब कपड़े पे कटिंग आपको दिखाएंगे और इसके बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाएंगे। तो ये हमारी इस प्रकार से कटिंग होगी। देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। जैसे कि हमारी ये बैक साइड फ्रंट बैक साइड का पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट है। तो ये फ्रंट और ये इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ये यहाँ पे हो गया है और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये यहाँ का पार्ट्स हो गया है। तो आइए अब हम ये जो आगे पीछे के दोनों पार्ट्स हैं इनको हम कपड़े पे कटिंग करते हैं। अब देखिए जैसे ये पॉकेट की साइड है और जो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है तो इसमें हम पॉकेट का पार्ट ले लेंगे। यहाँ पे हम पॉकेट को एकदम बीच में मिडिल सेंटर में, ये देखिए ये सेंटर है तो मिडिल सेंटर में पॉकेट को रखेंगे और इस प्रकार से कटिंग करेंगे। यहाँ हमारा बिल्कुल ओके आ रहा है, यहाँ से हमारा कम है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो बटन है इनको कट करेंगे, ये जो सिलाई है इनको हम ओपन करेंगे। तो सिलाई को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हमारी साइड जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये वाली ऐसे अंदर फोल्ड की हुई है तो ये बढ़ जाएंगी। तो इसको हमने खोल लेना है, बटन्स को हटा देना है और ये पार्ट्स हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। ये एक साइड का है और ये एक साइड का इस पे पूरा हो चुका है, पार्ट पूरा आता है। अब हम आपको दूसरी साइड का पार्ट इस तरफ लगाकर दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारी बैक साइड का पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट का पार्ट ओके आ रहा है, बैक साइड का पार्ट हमने थोड़ा सा इसको तिरछा कर लिया। यहाँ जैसे सीधा रखेंगे तो ये हुक्स आएंगे, ये जो लगाई हुई है गढ़ाई वगैरह ये तो आएंगे। तो इसको हमने हल्का सा ऐसे घुमा लिया, टेढ़ा कर लिया है और ये जो प्लेट्स लंबी वाली हमारी जो बेल्ट है इनको भी हमने ऐसे थोड़ा सा हल्का सा कर लिया है। जो भी हमारी कटिंग में स्टिचिंग आएगी तो उसको हम खोल देंगे और ये यहाँ पे बिल्कुल आराम से बराबर ये यहाँ पूरा जो इसका पार्ट है फरमा है वो पूरा बिल्कुल लगभग आ रहा है। तो इसकी हम अब कटिंग कर लेते हैं, आपको कटिंग के बाद में इसकी जो पार्ट्स है वो दिखाएंगे। ये जो पार्ट्स है इस पे हम ये जो लेके आएंगे, ये जो हमारा है वो पॉकेट वो इस पे ही हम लगाएंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं फिर आपको स्टिचिंग दिखाएंगे। तो हमारे ये दोनों पार्ट्स कटिंग हुई थी, ये फ्रंट का और ये आगे का, हमने कपड़े से काट लिया। ये जो इसकी स्टिचिंग है इसको खोल लेंगे, जैसे हमने यहाँ से खोली है वैसे ही हम जो हमारी जो कटिंग जहाँ फोल्ड हुई हुई आई हुई है शर्ट में, तो आप उसको ऐसे खोल करके और फिनिश कर लें। और अब हम इसकी आपको पहले इसके स्कर्ट की और कटिंग बता देते हैं, उसके बाद साथ में आपको स्टिचिंग अलग बताएंगे और कटिंग साथ में बताएंगे। तो इसको आपको रख के दिखाते हैं। देखिए जो इसको ऐसे ये ऐसे ही रहेगा ये, तो क्योंकि और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। तो ये इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है और अब हम इसको ऊपर रखेंगे। जैसे ये हमारा इस प्रकार से, ये देखिए ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये बेल्ट, ये वाला बेल्ट और ये वाला बेल्ट यहाँ आ जाएगा। तो इस बेल्ट में जॉइंट भी नहीं आएगा और ये हमारा ऊपर का टॉप हो जाएगा। और यहाँ अब हम आपको स्कर्ट की कटिंग भी बता देते हैं। जैसे देखिए स्कर्ट के लिए हमारे पास यहाँ से जैसे लेंथ बची है 8 इंच, ये देखिए ये 8 इंच है और यहां से भी हम 8 इंच ले लेते हैं। ये 8 इंच है और इस पे ऐसे लाइनिंग करेंगे 8 इंच की और इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो नीचे का स्कर्ट है इसकी हमने 8 इंच लेंथ ले ली है। टोटल हमारी जो लेंथ होगी वो होगी 1 इंच का बेल्ट 9 इंच और 2 इंच की ज्वेलरी, 11 इंच हमारी स्कर्ट की टोटल लेंथ होगी। तो ये एक पार्ट हो गया, एक फ्रंट का एक पार्ट हुआ है। दूसरा जो पार्ट है हमारे, देखिए जो यहां से है इस साइड से लेंगे हम, ये जो दूसरा पार्ट होगा हमारा इसको भी हम 8 इंच में लेंगे। देखिए तो यहां से हमारा जो है इस पे हम मार्किंग कर लेंगे ताकि जो ऊपर नीचे ना हो। ये जो कट लगा हुआ यहां से जो राउंडिंग है यहां से हम इसकी एक लाइन अप कर लेते हैं। ये जो है कट करके इसको अलग कर देते हैं पहले और उसके बाद में 8 इंच की और आगे का पार्ट से एक और कटिंग करना है। अब देखिए ये जो बटन है हमारे, तो इस बटन के बराबर ही यहां हमें और कटिंग करना है इसको। तो जो ऊपर नीचे है उसको ऊपर नीचे जाने दें, बाकी का जो हमारा बटन की सीध में हमें इसको कटिंग करना है। तो यहां से हम ऊपर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने बटन बंद कर लिए हैं और अब हम स्कर्ट की कटिंग करें हैं ताकि हमारी जो पार्ट्स है बिल्कुल बराबर कटिंग हो, आगे पीछे ना हो। तो ये हम कटिंग कर लेंगे।
दोनों पार्ट्स आगे की बिल्कुल बराबर है, नहीं चाहिए छोटे बड़े बिल्कुल भी ना हो हमारे जो पार्ट्स हैं। तो ये देखिए हमारे आगे का पार्ट्स ऐसे कटिंग हो गया स्कर्ट का। और बीक साइड की पार्ट के लिए देखिए हमने और इस पे बीक साइड का पार्ट ले लिया शर्ट का और इस पे बराबर रख के और कटिंग करना, और कुछ भी नहीं है इसमें, बराबर ये रख लिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने आगे पीछे के पार्ट है और ये हमारी बेल्ट के ऊपर की पट्टी है जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने देखिए कितनी लिया है, 14 इंचेज हमने इसमें लिया है और इलास्टिक हम इसमें डालेंगे 8 इंच का। और ये इतना एक्स्ट्रा होगा इसमें हमारे जो चुन्नट आ जाएंगे, तो ये हमारे ऊपर की बेल्ट की रबड़ की पट्टी होगी जो ये देखिए इस प्रकार से फोल्ड होके लगेंगी। ठीक है, ये हमारे बेल्ट की पट्टी होगी। अब हम आपको नीचे की स्कर्ट का, ये हमारी स्कर्ट है, इसके नीचे की जो झलरी लगाएंगे रफल लगाएंगे उसको बता रही हूँ। तो ये हमारा स्कर्ट का फुल पार्ट्स होगा, ये ऊपर का बेल्ट हो गया, ये बीच का स्कर्ट है और ये नीचे की रफल है। तो ये स्कर्ट होगा और ये टॉप होगा। तो आपको इसकी स्टिचिंग और दोनों वीडियो देखनी हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दोनों वीडियो दिखाई देंगी। और ये हमारी फर्स्ट सिर्फ कटिंग की वीडियो है, तो आपने ये देखा होगा बहुत अच्छे से इसको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। तो आइए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने पट्टी ले ली है इसको कवर करने के लिए पॉकेट को। तो ये पट्टी देखिए यहाँ से स्टिचिंग की है, यहाँ से स्टिचिंग की, यहाँ से स्टिचिंग है, तीन साइड से स्टिच कर ले इसको। और क्या करेंगे कि जो हमारा पार्ट्स है ऊपर का एक पार्ट, देखिए नीचे तो हमने इसके अस्तर लगाया है ताकि कोई दिक्कत ना हो, और इस पर हम यहाँ जो यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे कच्ची सिलाई से बराबर इसकी पॉकेट पे लगा करके। और जो देखिए यहां से है बराबर रख कर लेना है। ठीक है, इस पे बराबर हमने इसको रख लिया है और अब हम इस पे जैसे अस्तर लगाएंगे देखिए उल्टा करके। और अब हम इस पे अस्तर की स्टिचिंग करेंगे, और कितनी स्टिचिंग कराएंगे आपको बता दें कि जैसे ये ऊपर का साइड है, ठीक है, और ये जो साइड है यहां तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, यहां से लेकर के और यहां तक, और इसकी कच्ची स्टिचिंग करके फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से ये जो पार्ट्स है देखिए बैक साइड का है, तो इसको हमने यहां तक फोल्ड करना है, यहां से लेकर के ये जो बेल्ट है इनकी जो बेल्ट की आधा आधा इंच की मैं आपको स्टिचिंग फिर दिखाऊंगी पुनः, और यहां तक हमें यहां तक इसकी स्टिचिंग करनी है। ठीक है, इसके चारों ओर इस प्रकार से यहां तक की स्टिचिंग कर ली है। ठीक है, अब हमें इनकी कट लगा देनी है ऐसे, जैसे ये देखिए ये जो हमारी नोक है जो स्क्वायर में है यहाँ से हमने इसको कट लगा दिया, और पूरे राउंड में से कट लगा दिए हैं। और इसी प्रकार से ये हमारा ऊपर का पार्ट्स है, और इसकी भी हमने यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग कर लिया है और ऐसे ये कट लगा देने। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, क्यों हमने कट लगाए हैं, क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे। तो आप इस प्रकार से सिलाई से पहले तक इसमें कट लगा लें, ये हमारे कट लग चुके हैं और हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए तो ये हमारा जो पार्ट्स है वो फोल्ड हो गया है, ये हमारा ओन साइड का पार्ट है, और ये जो हमारी ये देखिए ये हमारा ओन साइड का पार्ट हो गया है, और ये है ओ बैक साइड का पार्ट। तो इसको हमने जैसे अंदर से पूरा फोल्ड करना होगा, यहां से इस प्रकार से ये फोल्ड होगा, और इस प्रकार से हमने इसको ऑन साइड में ऐसे कर लेना है जो कि हमने स्टिचिंग फोल्ड की हुई है, तो इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है और ये ऐसे फोल्ड हो जाती है। इसको हमने एक साइड से फोल्ड कर लिया है, ये पट्टी हो गई। इसी प्रकार से ये दूसरी पट्टी को भी हम निकाल लेंगे ऐसे। तो ये देखिए ये फोल्ड हो गई है, और ये जो बैक साइड है ये बस इतना इसमें क्या है कि ये स्टिचिंग कर लिया, इसको कट लगा करके फोल्ड कर लिया है। तो ये यहाँ पे हम बटन लगाएंगे और इसमें हम वो कज करेंगे, इसमें कज होंगे और यहाँ पे हम बटन लगा देंगे। तो ये हमारे इस प्रकार से देखिए जॉइंटेड हो जाएगा और इसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से ये ऊपर का पार्ट से जो फोल्ड हो गया, जैसे ये बटन लग गई यहाँ पे ये फोल्ड। अब हम जो साइड की है, ये साइड की जो पिकिंग स्टिचिंग आपको दिखा रहे हैं, और ये पिकिंग स्टिचिंग कैसे करेंगे देखिए आपको हम बता देते हैं कि हमारी सिलाई ऐसे अंदर जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बीच से यहाँ से पकड़ेंगे, जैसे ये ओन साइड में है, ये ओन है और ये भी ओन है, तो हमें सिलाई यहाँ अंदर करनी है ऐसे। अस्तर में पार्ट्स अस्तर का पकड़ लीजिए और जींस के पार्ट में जींस का, ऐसे हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। उस बीम भी दिखा दे। तो ये हमारी देखिए ऑफ साइड में स्टिचिंग है और एकल स्टिचिंग है, अस्तर की और जींस के कपड़े की हमने इसकी ऐसी स्टिचिंग कर ली है। और जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये स्टिचिंग यहाँ ऐसे
अंदर चली जाएंगी। इसको हम फोल्ड करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये जो हमारी स्टिचिंग होती है और यहाँ पे ऐसे अंदर चली जाती है और ये दोनों ओन साइड में ऐसी हो जाती है। तो ये यहाँ पे आपको सिलाई नहीं नजर आएगी, इस प्रकार से आप इसकी स्टिचिंग करें। ये देखिए दोनों साइड की जो है स्टिचिंग कर ली है। और ये हमारी जो पेकिंग स्टिचिंग है, ये देखिए ऐसे डायरेक्ट स्टिचिंग की है, तो ये हमारी पेकिंग स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, देखिए जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी जो सिलाई है वो ये देखिए जो ये सिलाई है ये ऐसे अंदर चली गई है, और जो हमारे बीच का स्पेस है ये बिल्कुल बिना सिलाई रहित है, इसमें आपको कोई स्टिचिंग नहीं दिखाई देगी। ऐसे पार्ट्स ये स्टिचिंग हो गई है ऊपर से। इसी प्रकार से आप बनाए बेबी जो स्कर्ट टॉप बनाने बहुत आसान होते हैं, और ये हमने बना लिया। इस पे हम बटन लगाएंगे और ये हमारा ऑलरेडी रेडी है। अब हम आपको देखिए ये स्कर्ट है, इसके नीचे वाला जो स्कर्ट है ये हम बनाएंगे, और ये हमारी स्कर्ट का ये जो रबड़ डालने वाला ये बेल्ट होगा, और इसकी ये हमने ज्वेलरी है जो रफल है, इसको हमने इस प्रकार से देखिए जॉइंट करके तैयार कर लिया है। नीचे से इसको हमने फोल्ड कर लिया है, तो ये रफल हम नीचे जॉइंट करेंगे और इसमें हम रबड़ लगा रहे हैं। देखते हैं कैसे रबड़ लगाते हैं, कैसे हम इसमें स्टेप लगाते हैं। अभी देखिए हमने ये एक पट्टी कटिंग की है और ये 2 इंच की है, जो कि हमारी शर्ट के नीचे की, जो शर्ट के नीचे की जैसे मोड़ाई की हुई थी वो एक्स्ट्रा पट्टी थी, इसको हमने यहाँ यूज में लेना है। तो इसको 2 इंच का हमने कटिंग कर लिया। ये जो मोड़ाई आपको दिखती है ये जो शर्ट के नीचे में जो होती है निचले हिस्सा होता है जो हमारी कमर का वो मोड़ाई की हुई थी वो पार्ट है, तो इसको हमने इतना कटिंग कर लिया है। और इसको हम यहाँ से स्टिच करते हैं, देखो इतना फोल्ड कर लेंगे, और ये जो यहाँ की स्टिचिंग है दोनों की जॉइंट की यहाँ से, जो सिर्फ आगे के 2 पार्ट्स में, जैसे देखिए ये 2 पार्ट्स हमने ले लिया आगे के, और इनको हमने ऐसे स्टिच करना है। देखिए आपको बता देती हूँ, ऐसे यहाँ से स्टिच कर लेना है, और ये ऊपर से यहाँ बराबर में मिला हुआ होना चाहिए, यहाँ से इस पार्ट में स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ से स्टिच हो गए। अब यहाँ से कर रही हैं, देखिए नीचे वाला ये पार्ट से और ये जो पॉकेट है इसके ऊपर ऊपर ये हम पट्टी स्टिच करेंगे पहले, और इसके बाद एक पट्टी और स्टिच करेंगे, और नीचे की साइड से स्टिच करते हैं इसको, यहाँ तक स्टिच करना है। ये नीचे की साइड है और ये देखिए इसको स्टिच कर लिया है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसके नीचे ये पट्टी स्टिच करके यहाँ से और इसको अंदर फोल्ड कर देंगे, जैसे हमारी ब्लाउज में तुरपाई की पट्टी लगाते हैं वैसे इसको यहाँ स्टिच कर देंगे और अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये जो हमारा ओपन पार्ट्स है ये ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारे टॉप्स के हमने बटन्स लगा दिए हैं और इस पर गलाई भी लगा दी है, और ये जो पट्टी हमने जॉइंट की है आगे की, ये देखिए इसको हमने ऐसे अंदर फोल्ड कर देना है। हाँ, ऐसे अंदर हम फोल्ड कर देंगे और ये हमारी डिजाइंस की पट्टी रहेंगी। इस पे आप यहाँ पे फूल लगा सकते हो, कुछ भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, और ये जो पट्टी आपकी है ये ऐसे अंदर जाएंगी। और ये देखिए ये हमने इसको कच्चा फोल्ड कर लिया है, और अब हमने इसके नीचे की ओर में सारी जगह तुरपाई लगा दी है, तो ये हमारी जो ऊपर की टॉप है वो तैयार होगी। तो दोस्तों अभी तक मेरी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं आपको बहुत सारी नई नई और अच्छी वीडियोस देने वाली हूँ। तो अगर आपको सिलाई में रुचि है, अगर आप सिलाई को पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार से हमने इस पर तुरपाई रख ली है, और ये हमारा तुरपाई होकर के जो ऊपर का पार्ट्स है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें अब कुछ भी चीज़ की कमी है, हमने ऊपर से डिजाइन लगाया, और यहाँ पे हम कोई फ्लावर या कुछ भी डेकोरेट की चीज़ आप इस पर लगा सकते हो, जो हमारे की जो कि ऊपर की जो ये बेल्ट हमने लगाई है इस पर। अब हम आपको नीचे की स्कर्ट की स्टिचिंग बता रहे हैं। तो देखिए ये हमारा स्कर्ट है, और इसकी जो कमर है इसकी हम कमर चेक कर लेते हैं, जो कि हमें ऊपर का इसका बेल्ट जॉइंट करना है, इसमें चुन्नट डालनी है फोल्डिंग करने की। तो इसकी देखिए जो कमर है वो है 21.5 लगभग 22 इंच है, और 11 इंच एक पार्ट है, हाफ पार्ट है, जो जिसको 4 फोल्ड में करेंगे तो ये 11 इंच एक पार्ट हो गया है। तो हमें रखना है इसको, देखिए ये हमारा बेल्ट है, तो हमें कितना रखना है देखिए, और ये जो बेल्ट है आगे पीछे का दोनों साइड का है,
तो 13 इंचेज हमें रखना है, 13 इंचेज रखना है, तो एक पार्ट कितना होगा, हाफ में 6.5, ये 6.5 या 6.5, तो 13 इंच आगे का हो गया, 13 इंच पीछे का हो गया, 26 इंच में हमारी थोड़ी चुन्नट आ जाएगी, और जब्बर डालने के बाद में, इलास्टिक डालने के बाद में, ये जो हमें 15 इंचेज हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए ये एक साइड से ऑन है और इस साइड से हमने इसमें जॉइंट कर लिया है, ठीक है, ये हमारा जॉइंट हो चुका है, एक साइड में हमने इसको जॉइंट कर लिया है, ऐसे कच्चा जॉइंट किया है। और अब हम इसमें देखिए पहले इसको ऊपर कर लेते, बराबर करते हैं, जैसे हमने इसमें 2 प्लेट्स लगाएंगे और ये 6.5 इंच इसको हम रखेंगे, इसमें ये फर्स्ट हो गई है, फर्स्ट प्लेट्स हो गई है बड़ी, और इसके बाद में इसके पास में ही ये सेकेंड प्लेट्स होगी, ये 2 प्लेट्स लगा लेते हैं और इसमें पहले चेक कर लेते हैं कि 6.5 इंच रहा है ना। और ये सिलाई का पार्ट्स ये देखिए वहाँ से दिखाते हैं आपको, वहाँ से छोड़ रह करके ये यहाँ तक, ये यहाँ तक ये 6.5 इंच इसमें रहता है, तो 6.5 इंच का हमें एक पार्ट रखना है, और ये जो इधर की साइड है इसको भी हमें 6.5 रखना है, जो एक्स्ट्रा उसमें हम ऐसे 2 प्लेट्स लगाएंगे, 2 प्लेट्स इस तरफ, 2 प्लेट्स इस तरफ, और फिर 4 प्लेट्स हमारी बेक साइड में होंगी, बेक पार्ट है ये, और ये इसका सेंटर है बेक पार्ट का। तो देखिए 2 चुन्नट हम इस तरफ, जो सेंटर है हमारा, इसमें हम 2 चुन्नट लगाएंगे, एक साइड में ये एक हो गई है और ये 2 चुन्नट हो गई है, ठीक है, बड़ी बड़ी प्लेट्स लगाएंगे, ऐसी छोटी नहीं लगाते हैं, जो हमारे जींस के स्कर्ट बनाते हैं इसमें हम बड़ी प्लेट्स लगाते हैं, ये 2 इस तरफ हो गई और 2 ही हम इस तरफ लगाएंगे, जैसे देखिए एक ये हो गई है और ये होगी 2, तो इस प्रकार से 2 चुन्नट इस तरफ हो गई है और ये 2 प्लेट्स इस तरफ, ये बेक साइड का पार्ट है। और ये देखिए चुन्नट लगा ली हमने, ये बेक साइड में है और ये हमारी फ्रंट साइड में है, 2 चुन्नट इस तरफ, 2 चुन्नट इस तरफ। अब हम इसमें जो हमारी ये बेल्ट है रबड़ वाली, इसको अटैच कर रहे हैं ऐसे बराबर में, और ये हमने बेल्ट को जो ऊपर का पार्ट है रबड़ है जिसमें इलास्टिक लगाएंगे, वो हमने बेल्ट इसमें जॉइंट कर लिया है। बेल्ट तो देखिए सीधा जॉइंट करना, जितना आपको लगाना हो, 2 इंच 3 इंच 4 इंच, ये हमने 4 इंच का बेल्ट लिया है, और इसको जब हम फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे करके इसको रबड़ डालेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये हमारा बेल्ट इतना ही रहेगा, इसमें इतना ही रहेगा, लिमिटेड ही रहेगा जितना कि हमारा रबड़ फोल्ड है। तो अब हम इसमें रबड़ अटैच कर रहे हैं पहले, तो ये जैसे देखिए हमारे पास रबड़ इलास्टिक है और इसको हमने 8 इंच लेना है, ये हमारे पास 8 इंच है, और यहां से देखिए यहां से, तो अब हम इसको यहां से कटिंग कर ले, ये 16 इंच का इलास्टिक हो गया है जो हम इस स्कर्ट में डाल रहे हैं, तो ये हमने 16 इंच का इलास्टिक ले लिया है। अब सबसे पहले इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे, इसको यहाँ आप इस प्रकार से रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे पहले कच्चा कर लेते हैं, और ये हमने दोनों साइड की रबड़ अटैच कर ली है दोनों साइड से, इसको कच्चा एक बार स्टिच किया है। अब हम जो साइड की देखिए साइड की जो हमारी स्टिचिंग है इसको कर लेते हैं पहले, जैसे ये रबड़ है हमारा, और इसको आप छोड़ दीजिए, और जो हमारी लॉन्ग स्टिचिंग है साइड की ये वाली, तो यहाँ से इसको हम और यहाँ से पकड़ करके इसको ऐसे पूरा स्टिच करेंगे ऊपर से लेकर के, और ये जो साइड की स्टिचिंग है इसको ऐसे पूरा स्टिच करेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो हमारी रबड़ की साइड है जहाँ दोनों रबड़ जॉइंटेड है नीचे वाले पार्ट्स में और ये ऊपर वाले पार्ट्स में, तो इसकी हम स्टिचिंग कर देते हैं। ऊपर की जो पट्टी थी इसको देखिए फोल्ड कर लिया है, और ये जो रबड़ की लाइन इसको हम स्टिच कर लेते हैं, दोनों को जॉइंट कर लेते हैं, और इसके बाद हम आपको फोल्ड करके बताएंगे। ये फोल्ड करना थोड़ा सा हार्ड है किंतु आप कोशिश करोगे तो ये भी हो जाएगा, और अगर आपको ऐसे नहीं तो आप ओपन फोल्ड कर सकते हैं, जैसे इस पार्ट को ओपन रख के फिर आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमने देखिए इसको पूरा स्टिच कर लिया है, और स्टिच करने के बाद अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है, जैसे ये जो हमारी पट्टी है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर देखिए इसको ऐसे फोल्ड किया और यहाँ ऊपर स्टिचिंग करनी है, और ध्यान रखिए जो हमारी स्टिचिंग है वो हमारी रबड़ पे नहीं आए, हमें सीधा सीधा स्टिच करना है, बराबर रबड़ रख के और इसको ऐसे स्टिच करना है, हमारी जो स्टिचिंग है हमारे रबड़ पे बिल्कुल भी नहीं आए। ये देखिए
रबड़ को इसे पुश करके आगे खींच ले और यहाँ इस प्रकार से स्टिच करते जाएं। ये जो है सिलाई के पास पास में और यहाँ से हमें स्टिच करना है। तो ये हमारे जो है हमने रबड़ इसको इस प्रकार से सीधा फोल्ड करके ऐसे और जो बेल्ट को ऐसे ऊपर फोल्ड कर लिया है। अब जो लास्ट में इसको हम इस प्रकार से खींच करके जो सिलाई है एक साइड में करेंगे और इसको ऐसे स्टिच पूरा कर लेंगे। और इस प्रकार से हल्का सा खींच करके और हमें इसमें और ये हमारा रबड़ पूरा इसमें लग चुका है। ये हमने इसमें रबड़ डाल लिया है। तो ये देखिए ये हमारा जो टॉप है स्कर्ट है ये इस प्रकार से हो गया। अब हम इसमें नीचे की जो है वो ज्वेलरी लगाएंगे। ये देखिए रबड़ वो बहुत सुंदर और बहुत सरल लग जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये देखिए जो सिलाई है ये पूरी राउंड में आ जाती है। इसको लॉन्ग स्टिच कर लिया तो बिल्कुल कहीं से इसकी स्टिचिंग नहीं दिखाई देती है और ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो ये देखिए ये हमारा स्कर्ट हो चुका है। अब ये देखिए हमारी ज्वेलरी का पार्ट्स है और हम इसमें इस प्रकार से चुन्नट लगाएंगे तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखिए थोड़ी थोड़ी दूर में एक एक चुन्नट लगाएंगे और ये चुन्नट की जो पट्टी इसको हमने फोल्ड कर लिया नीचे से और ऊपर में हम इस प्रकार से चुन्नट लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे और पूरी पट्टी तैयार करेंगे। ये हमारी पूरी चुन्नट तैयार हो गई है। ये जो ज्वेलरी है ये हमारी तैयार है। अब हम इसमें नीचे अटैच कर रहे हैं। तो इसमें हम ऐसे अटैच करेंगे, कहीं से भी आप इसको अटैच कर सकते हो। इसको हम ऑन साइड में ऐसे इस साइड से ऐसे अटैच करेंगे आधा इंच की स्टिचिंग रखते हुए और ये हम ऐसे नीचे की साइड में इसमें रफल अटैच कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज स्टिचिंग के लेकर आने वाली हूँ। जो नए नए पैटर्न्स होंगे साथ में वो पैटर्न्स होंगे जो हर घर में जिसकी ज़रूरत होती है डिमांड होती है तो वो हमारे पैटर्न्स होंगे टोटल। तो उसकी एक एक करके आपके पास वीडियो पहुँचती रहेगी। तो अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है तो आप इस ड्रेस को स्टिचिंग करना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों के साथ में वीडियो है तो आप इसको अपने घर पे जरूर बनाएं। तो ये हमारी रफल्स पूरी स्टिच हो चुकी है हमारे स्कर्ट के अंदर और अब आप चाहें तो इस पे एक ऊपर की स्टिचिंग और कर सकते हैं। वैसे ये ऑलरेडी तैयार है। तो देखिए आपको हम इसको पूरा दिखा देते हैं कि ये हमारा रफल्स और स्कर्ट सा है। आपको कैसी लगी हमारी स्कर्ट की कटिंग और इसकी स्टिचिंग? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। और ये नीचे का है, ये देखिए ऊपर का है। तो ये हमारी पूरी ड्रेस बन करके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए 3 साल की बेबी की है। ये आपको बता दूं कि ये जो ड्रेस है वो हमारे 3 साल की गुड़िया की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जो लाइक किए वीडियो को उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।